हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर जो ट्रैफिक के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा और आपको जो देखाऊंगा और आपको जो समझाऊंगा कि कुछ भी सीआरटी टीवी पी से भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी सीआरटी टीवी पी से भी हो सकता है। मेरा पास ये लोकल मार्केट चाइना किट है, ये चासिस लेकर आपको देखाऊंगा, बट कुछ भी सीआरटी टीवी पी से भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो ईएसटी सप्लाई होता है, ईएसटी सप्लाई लाइन डिटेल्स आपको बताऊंगा ये वीडियो के अंदर। ईएसटी सप्लाई लाइन के अंदर क्या क्या है और ईएसटी सप्लाई लाइन कौन पोजीशन से कौन पोजीशन पर कनेक्शन है और ईएसटी सप्लाई लाइन रेजिस्टेंस ओवर इट, ईएसटी सप्लाई लाइन ओपन हो जाना और ईएसटी सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप हो जाना, ये सबको ऊपर मैं ये वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि टेलीग्राम के अंदर एक मैसेज, एक दोस्त ने मैसेज किया है और वो बताता है कि ईएसटी सप्लाई रेजिस्टेंस बहुत ही ओवर इट हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। और टेलीग्राम का अंदर और कुछ फोटो भेजा है, वो जो रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों आपको स्क्रीन का अंदर दिखाना चाहता हूँ वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू, आप अच्छा करके देखिए। तो 3.9K का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस, ये गलत है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कभी नहीं यूज होता है, बट वो दोस्त ने बताया कि यहाँ पर यही रेजिस्टेंस था। तो दोस्तों आपको अच्छा करके ध्यान देना पड़ेगा और आपको याद में रखना पड़ेगा कि कुछ भी सीआरटी पीसीबी हो सकता है। सभी पीसीबी का अंदर इतना हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कभी नहीं यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं आपको क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। अलग से टेक्नीशियन वहाँ पर वो रेजिस्टेंस को लगाया और वो गलत नंबर का रजिस्ट्रेशन लगाया, एक्चुअली वहाँ पर कौन सा रजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाने के बाद क्या होगा और वो रेजिस्टेंस ओवरहिट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको डिटेल्स ये वीडियो के अंदर, मेनली जो बिगिनर होता है, न्यू टेक्नीशियन होता है, हो सकता है बहुत दिन से काम कर रहा है बट आपका डिटेल्स प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद ईएसटी सप्लाई हो सकता है, कुछ भी सप्लाई लाइन हो सकता है, आपका थोड़ा सा नॉलेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मान लो ये पावर सेक्शन है, इसका अंदर जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज निकलता है, सभी आउटपुट वोल्टेज का अंदर एक एक डायोड देखा जाता है। मान लो ये 110 वोल्ट लाइन का एक आउटपुट लाइन का डायोड है और उसके बाद ये जो डायोड है, ये डायोड से वर्टिकल सप्लाई पर और डाइवर पर सप्लाई जाता है और उसके बाद ये जो डायोड है, ये डायोड से रेगुलेटर सेक्शन पर सप्लाई जाता है, जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेट करता है और उसके बाद ये जो डायोड है, ये डायोड से जो सप्लाई साउंड आईसी पर जाता है, जो साउंड आईसी ऑपरेट करने के लिए, मतलब साउंड आईसी को सप्लाई देने के लिए। इसी तरह अलग अलग डायोड देखा जाता है, कुछ भी पीसीबी हो सकता है, सिस्टम सबका सेम है, वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वो जो सर्किट होता है उसका हिसाब, जो ड्राइंग है उसका हिसाब से वो डिपेंडेड है, बट मेनली आज आपको एक ही लाइन पूरा क्लियर करके बताने के लिए कोशिश करूँगा। मान लो ये जो ईएसटी सप्लाई लाइन है, फर्स्ट वाला ये जो डायोड है, ठीक है, ये लाइन का आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। ये लाइन से बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जैसा देखा जाता है, बट पीसीबी उल्टा करके देखेगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सेम लाइन है। तो ये रेजिस्टेंस का बाद डायरेक्ट ईएसटी पर कनेक्शन है, हो सकता है बहुत ब्रांडेड टीवी का अंदर, बहुत ब्रांडेड पीसीबी का अंदर ये रेजिस्टेंस का बाद हो सकता है बीच में और एक सा कॉइल हो सकता है, कॉइल छोटा सा कॉइल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बहुत पीसीबी के अंदर ये रेजिस्टेंस पोजीशन पर जम्पर भी देखा जाता है, ठीक है। और जो दोस्त ने एक पिक्चर सेंड किया, वहाँ पर इसी तरह 5 वाट का और 10 वाट का भी रेजिस्टेंस जो देखा जाता है, जो स्क्रीन के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी तरह रेजिस्टेंस हो सकता है, बट उसका वैल्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही लो वैल्यू का होना चाहिए। लो वैल्यू मतलब क्या है, देखिए, अब मीटर को बार्जर मोड पर रखने के बाद, ठीक है, ये बार्जर मोड है और देखिए बीप साउंड आ रहा है। ये बार्जर मोड पर रखने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो डायोड है, ये ईएसटी सप्लाई लाइन का डायोड है, यहाँ से जो बीच में जो लाइन है, पूरा लाइन आपको चेक करके देखना पड़ेगा, जो ईएसटी का सप्लाई पिन है यहाँ तक इसी तरह कॉन्टिन्यूटी, मतलब बार्जर बाजना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूटी देना चाहिए, ठीक है। पूरा लाइन ये डायोड का पॉजिटिव साइड से ईएसटी का पिन तक इसी तरह बीप साउंड होना चाहिए। तो दोस्तों 3.9K का रेजिस्टेंस, वो जो दोस्त ने जो पिक्चर सेंड किया है, वहाँ पर कभी वो रेजिस्टेंस नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 2.2
टू ओम्स टू वाट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, वन ओम्स रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, फाइव ओम्स तक, ठीक है, फाइव ओम्स तक आप रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, आप टू वाट फाइव वाट तक रेजिस्टेंस भी आप यूज कर सकते हो, कुछ भी रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो कुछ भी पीसीबी पर, बट सबसे बेटर होगा ओनली वन ओम्स रेजिस्टेंस आप यूज करेगा तो टू वाट का सबसे बेटर रिजल्ट मिलता है, ठीक है, वन ओम्स और टू वाट का, ठीक है, रेजिस्टेंस यूज करेगा तो सबसे बेटर होगा, आप थोड़ा सा इधर उधर आसपास वाली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर कर दिया, और बीच में जो जम्पर देखा जाता है, जो कॉयल देखा जाता है, वो कॉयल बहुत पीसीबी पर नहीं है, आप कॉयल भी यूज कर सकते हो, वहां पर आप जम्पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आपको और देखना पड़ेगा कि ये जो डायोड है, ये डायोड से जो कंटिन्यूटी आपको ये जो यूएसबी पिन पर दिखाया, ये सेम कंटिन्यूटी मतलब सेम कनेक्शन जो आउटपुट ट्रांजिस्टर रहता है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है तीनों पिन वाला, ये ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन मतलब मिडिल पिन, यहाँ पर भी सेम कनेक्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है यूएसबी के पिन का साथ कनेक्शन है, और ये जो पिन बीच में गैप है इसका साथ इंटरनल कनेक्शन है, मतलब बीच में कॉयल है, कॉयल से सप्लाई आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है। तो दोस्तों ये चाइना पीसीबी है, कुछ भी सीआरटी पीसीबी हो सकता है, सबका सिस्टम सबका कनेक्शन इसी तरह सेम है, बट अलग अलग पीसीबी का अंदर डिफरेंस क्या है ये आपको इसे टाइम बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए ये चाइना पीसीबी के अंदर जो 1010 ESD होता है 1010 ए वाला, तो इसका ये पिन का साथ भी कनेक्शन है, ये पिन का साथ भी कनेक्शन है, और ये पिन का साथ भी कनेक्शन है, और ये पिन का साथ भी कनेक्शन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये 6 पिन का साथ ये सप्लाई लाइन कनेक्शन है, ये 1010 ESD का, ठीक है, और 1010 ESD होगा तो 1010 ESD के साथ ये पिन का साथ कनेक्शन है, और ये पिन का साथ, और हो सकता है ये दो पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, हो सकता है, ठीक है, बट कुछ कुछ नंबर का कनेक्शन देखा जाता है। तो ये हो गया ESD सप्लाई लाइन का साथ कौन कौन पिन कनेक्शन देखा जाता है, और बार्जर आपको कॉन्टिन्यू देखने को मिलेगा, बट ये जो सप्लाई लाइन है यहाँ से जो नेगेटिव है ये नेगेटिव पर कॉन्टिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव के साथ कॉन्टिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये नेगेटिव के साथ कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलेगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा, तो दोस्तों फॉल्ट है, शॉर्ट है, क्या शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, आपको क्लियर करूंगा। उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ ये जो ESD सप्लाई पॉइंट है ESD का, इसका साथ देखिए 1010 ESD का ये जो लास्ट वाला पिन देखिए 10 नंबर पिन का साथ भी कनेक्शन है, बजर बज रहा है, आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाला पिन है यहाँ पर ये पिन से 180 वोल्ट निकलता है जो ESD ऑन होने का बाद, ठीक है। तो इसीलिए आपको दिमाग में पूरा सेट करके रखना पड़ेगा कि ESD सप्लाई लाइन जब ड्रॉप हो जाता है मतलब आउट हो जाता है और देखा जाता है कि बीच में जो रेजिस्टेंस है वो ओवरहीट हो रहा है, हो सकता है रेजिस्टेंस लगाया और तुरंत सप्लाई देने के बाद वो बहुत हीट होने के बाद वो जल गया, तो इसी कंडीशन पर आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखिए फर्स्ट ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको बताया, प्रॉपर वैल्यू आपको लगाना पड़ेगा, आप ये जो डायोड है ये डायोड से ये जो रेजिस्टेंस का पिन है ये आप डायरेक्ट वायर लेके शॉर्ट कर सकते हो, बट रिपेयरिंग करने का समय मान लो कुछ भी ये पोजीशन शॉर्ट है आप यहाँ पर शॉर्ट मत कीजिए, क्यों शॉर्ट मत कीजिए आपको ये भी क्लियर कर दूंगा। देखिए मान लो इसका आउटपुट सेक्शन कुछ भी शॉर्ट है कि ये जो डायोड पोजीशन है ये डायोड पोजीशन से इसका जो नेगेटिव है पूरा शॉर्टिंग बता रहा है, बीप साउंड दे रहा है, हो सकता है ये पिन से पूरा शॉर्टिंग बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यहाँ से जंप पर ये डायोड पर देगा तो सप्लाई देने का बाद क्या होगा ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा, और हो सकता है अब यहाँ पर जम्पर की कनेक्शन करने के बाद ये जो पावर सेक्शन है ये पावर सेक्शन का ऊपर ओवरलोड आ जाता है, ओवरलोड का वजह हो सकता है ये जो पावर ट्रांजिस्टर है ESTR हो सकता है वो भी शॉर्ट हो जाता है, आउटपुट सेक्शन शॉर्ट होने का रीजन से। तो इसीलिए बीच में जो रेजिस्टेंस दिया जाता है ये रेजिस्टेंस एक्चुअली फ्यूजेबल रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, जब इसका आउटपुट सेक्शन कुछ पोजीशन शॉर्ट हो जाता है और शॉर्ट होने का रीजन से
ये जो सप्लाई रेजिस्टेंस यहाँ पर सप्लाई देता है और इसका आउटपुट सेक्शन शॉर्ट होने का रीजन वो वोल्टेज नेगेटिव पर जब चला जाता है तो ई रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ही ओवरलोड आ जाता है। ओवरलोड का बजाय ई रेजिस्टेंस बहुत ही हीट हो जाता है और वो हीट इतना हो जाता है कि उसी का बाद ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, मतलब काट जाता है। ठीक है, ये दिमाग में पूरा सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आप हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएगा तो ई रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज यहाँ पर ये सेक्शन को ऑन करने के लिए जो जाता है, यहाँ पर जो लोड आता है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाने के बाद खुद ही वो रेजिस्टेंस ओवर हीट होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस खुद ही ओवर हीट होगा और जल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर वैल्यू रेजिस्टेंस आपको लगा के देखना पड़ेगा। आपको बहुत बार बात है यहाँ पर कौन सा वैल्यू रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए चेक करने का तरीका क्या है कि इसका ओरिजिनल आउटपुट सेक्शन का शॉर्ट है कि आप जो रेजिस्टेंस लगाए ये रेजिस्टेंस गलत लगाए, इसी कारण से ये हीट हो रहा है। इसका चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए फर्स्ट ये जो डायोड है, डायोड का बाद आपको देखना पड़ेगा ये लाइन का अंदर कौन कौन पार्ट्स है। देखिए बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ये लाइन का अंदर और कौन कौन पार्ट्स है, ये कैपेसिटर कौन पॉइंट का साथ कनेक्शन है, कि ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जब शॉर्ट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट होने का रीजन से यहाँ पर जो सप्लाई आएगा ये नेगेटिव पर जाने के लिए कोशिश करेगा, तो इसीलिए इसका अंदर जो डायोड है तो ये शॉर्ट हो जाता है। बट मान लो ओनली ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, ईएसटी सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, इसका मतलब कि इसका आउटपुट सेक्शन का कुछ शॉर्ट है, हो सकता है या हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस अब लगाया, तो इसीलिए रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। ठीक है, ओपन करने का बाद यहाँ पर ये साइड नहीं है, इनपुट पर ये जो डायोड है यहाँ पर आपको एक 100 वाट बल्ब कनेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, 100 वाट बल्ब मतलब जो जिसका अंदर फिलामेंट रहता है, इसी तरह बल्ब आपको लेना पड़ेगा। और बल्ब का जो दो वायर होते हैं, दो वायर का आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। कहाँ पर, ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड है और जिस पोजीशन से आप रेजिस्टेंस को ओपन किया है यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर कनेक्शन करके, और एक जो वायर है आपको नेगेटिव पर कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव पर कनेक्शन करने का बाद आप सप्लाई देके देखिए कि यहाँ पर जो ईएसटी सप्लाई जो जितना होना चाहिए प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि अलग अलग सेट हिसाब से अलग अलग वोल्टेज हो सकता है। नॉर्मल जो वोल्ट होता है 110 वोल्ट आपको चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, आपको डैमी लोड यहाँ पर कनेक्शन करने का बाद 100 वाट बल्ब, 200 वाट नहीं है, मैं आपको 100 वाट बल्ब बताता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली 100 वाट बल्ब क्यों मैं बताता हूँ कि ये जो ईएसटी सेक्शन के ऊपर जो लोड आ वो लोड आ जाता है, तो 100 वाट बल्ब का जो लोड होता है, इसी तरह लोड थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, इसी तरह लोड यहाँ पर वो बल्ब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लगा के। ठीक है, तो आप फर्स्ट 110 वोल्ट आपको देखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर 110 का ऊपर बहुत हाई वोल्ट आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीसेट घुमा के, ठीक है, प्रीसेट घुमा के ये वोल्टेज को रेडी करना पड़ेगा। आपका सेट का अंदर मॉड्यूलर है, तो मॉड्यूलर का प्रीसेट घुमा के आपको 110 वोल्ट यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लो होगा तो तब भी आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई होगा तो तब भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पर 100 वोल्ट 10 वोल्ट का ऊपर बहुत हाई वोल्ट है और आप यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस कनेक्शन किया, हो सकता है जम्पर कनेक्शन किया, हो सकता है हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जम्पर कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद क्या होगा कि इसका आउटपुट सेक्शन का अंदर, ठीक है, कुछ शॉर्ट हो जाएगा तो, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस तुरंत काट जाएगा। और मान लो यहाँ पर कुछ भी पोजिशन पर शॉर्ट है तो यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस लगाने के बाद वो तुरंत हीट हो जाएगा। मान लो आउटपुट सेक्शन पूरा ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये जो रेजिस्टेंस हाई वैल्यू लगाने का रीजन से ओवरहीट हो रहा है। अब प्रॉपर वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया, प्रॉपर वैल्यू रेजिस्टेंस लगाने के बाद मान लो इसका आउटपुट सेक्शन शॉर्ट है, तो सप्लाई यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर हाई वोल्टेज मतलब 150 वोल्ट का ऊपर 50 वोल्ट का आसपास वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पर जब सप्लाई देगा तो साथ साथ आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद चलिए कि आउटपुट सेक्शन शॉर्ट कैसे पता करें, तो मान लो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, अब डैमी लोड लगा के टेस्ट किया, तो मतलब इसका ये सेक्शन ओके है, आउटपुट सेक्शन का शॉर्ट है, तो उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा
कि फिर भी कि यहाँ पर आप रेजिस्टेंस कनेक्शन काट दीजिए। काटने का बाद देखिए ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर देखा जाता है जो नेगेटिव के साथ, आपको नेगेटिव के साथ फॉलो करना पड़ेगा। ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, तो ये कन्फर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये ESC सप्लाई का जो पिन है, ओनली ये पिन को सोल्डरिंग ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये पिन का सोल्डरिंग ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद एक बार सप्लाई देके देखिए कि वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जितना वोल्ट, यहाँ पर सेम वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका बाद जो पार्ट्स है यही पार्ट शॉर्ट है। ठीक है, तो ये शॉर्ट होगा तो आपको जो ये पास को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और मान लो यहाँ पर वोल्टेज ओके आ रहा है ये पिन ओपन करने के बाद, उसका मतलब इसका ये जो पिन का साथ जितना कनेक्शन है, ये सब जितना कनेक्शन है आपको जो चेक करके देखा है, ये सब पिन का साथ जितना पास कनेक्शन है, और ये जो पिन है, ये पिन का साथ जितना कनेक्शन है, कुछ भी लाइन शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो मान लो ये पिन ओपन करने के बाद वोल्टेज यहाँ तक प्रॉपर आ रहा है, तो ये पिन को फिर भी सोल्डरिंग कर दीजिए। सोल्डरिंग करने के बाद जो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, तो इसीलिए आप ये जो आउटपुट लाइन का अंदर ये जो ESC का पिन है, ये पिन को पूरा कनेक्शन ओपन कर दीजिए। ठीक है, ओपन करके आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर का ये पिन को ओपन करके भी देख सकते हो सकता है आप ये पूरा ट्रांजिस्टर ओपन करके भी सप्लाई देके देख सकते हो कि सप्लाई देके देखिए कि मान लो ये ट्रांजिस्टर मैं ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है और यहाँ पर भी प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। ठीक है, मान लो ये ट्रांजिस्टर ओपन करने का बाद भी ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है और यहाँ पर वोल्टेज तो दोस्तों नहीं आ रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर भी ओके है। तो ये लाइन को आपको देखना पड़ेगा अच्छा करके कि ये लाइन का अंदर देखिए, ये लाइन का साथ यहाँ तक एक PF है। ठीक है, ये लाइन का साथ एक PF है, ये PF शॉर्ट हो सकता है, बट ये PF ओपन करके आप सप्लाई कभी मत दीजिए, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन है, मिडिल पिन लाइन का अंदर जो PF रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये PF ओपन करके सप्लाई मत दीजिए, और ये PF आपको न्यू लगा के सप्लाई दीजिए, नहीं तो हो सकता है ये PF ओपन करके ये PF खुद शॉर्ट है, और ये PF ओपन करके आप सप्लाई दे दिया और पिक्चर टेप पर सब आपका PCB कनेक्शन है, तो ESC इतना अचानक हाई बन जाएगा कि आपका पिक्चर ट्यूब फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दिमाग में पूरा सेट करके रख सकते हो। तो चलिए मान लो ये PF न्यू लगाया, लगाने का बाद ये ट्रांजिस्टर न्यू लगाया, तब भी सप्लाई देने का साथ साथ ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, मतलब तब भी ये सेक्शन का अंदर खुद शॉर्ट है। तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है आपको सेम नंबर देख के ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जो सब्सटीट्यूट नंबर है, सेम नंबर आपके पास नहीं है तो दूसरा नंबर है, तो आपको सब्सटीट्यूट देख के लगाना पड़ेगा। ये सब्सटीट्यूट के ऊपर मेरे चैनल के अंदर बहुत वीडियो है। ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रांजिस्टर मार्केट के अंदर जो है, जिसका ये कलेक्टर पिन है और ये बेस पिन है और ये एमिटर पिन है, तो एमिटर और बेस पिन उल्टा रहता है, एमिटर और बेस पिन उल्टा जो रहता है, हो सकता है ट्रांजिस्टर को घुमा के कुछ भी तरीके से अलग सा तरीके से लगाया और इसका बेस और एमिटर उल्टा हो गया, इसी का रीजन से सप्लाई जितना बार यहाँ पर आएगा साथ साथ ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा। आपका दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगा कि कौन सा सेक्शन शॉर्ट है, कौन सा पार्ट शॉर्ट है, क्योंकि अब बताएगा कि ये ट्रांजिस्टर तो मैं चेंज किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसका बाद और एक जो सेटिंग आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पिन है, ये पिन का साथ देखिए आपको बताया कि 1, 2, 3 ये सब पिन का साथ कनेक्शन है, तो आपको ये जो योग कॉइल का साथ ये जो पॉइंट है, ये पिन को योग कॉइल का वायर का आपको ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा। और उसका बाद ये जो पिन है, ये पिन का साथ ये जो 10 नंबर पिन है, ये लाइन का अंदर कुछ भी नहीं है बट एक डायोड है, ये डायोड से सप्लाई बेसबोर्ड पर जाता है, तो ये डायोड जब शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये डायोड जब शॉर्ट हो जाएगा वोल्टेज ये पिन पर ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये सप्लाई लाइन का अंदर जो कैपेसिटर नेगेटिव के साथ कनेक्शन है 180 वोल्ट लाइन का अंदर, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ESC सप्लाई जो है ये सप्लाई रेजिस्टेंस बहुत ही ओवरहीट होगा। ठीक है, अब सीरीज लाइन से टेस्ट करेगा तो ये जो PCB है, ये सीरीज लाइन इनपुट पर देकर टेस्ट करेगा तो सीरीज लाइन ग्लो करेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको क्या बताया कि देखिए आपको एक एक पिन ओपन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो ये जो पिन है, ये पिन को ओपन करके देखिए
ओपन करने के बाद सप्लाई दीजिए, सप्लाई देके देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं और रेजिस्टेंस वाइट हो रहा है कि नहीं। मान लो ये पिन ओपन करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज आ गया तो मतलब ये लाइन को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये पिन ओपन करने का ये पिन ओपन करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो दोस्तों ESD भी प्रॉब्लम हो सकता है। किस तरह प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जो सप्लाई लाइन का साथ ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये शॉर्ट हो सकता है। तो आपको बात है कि बीप कंटिन्यूटी नेगेटिव का साथ नहीं होना चाहिए, पर बीप कंटिन्यूटी होगा तो ESD भी फॉल्ट हो सकता है। तो आपको ये जो नेगेटिव पिन है ये नेगेटिव पिन को पूरा ओपन कर दीजिए, पूरा ESD ओपन करने का जरूरत नहीं है, ये पिन को ओपन कर दीजिए, अच्छा करके सोल्डरिंग ओपन कर दीजिए और ये जो पिन ये नेगेटिव के साथ टच नहीं होना चाहिए, ओपन करके सप्लाई देके देखिए कि यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। मान लो प्रॉपर सप्लाई आ रहा है ये नेगेटिव पिन ओपन करने के बाद, ठीक है, तो ESD खराब है। तो इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बहुत वीडियो के अंदर बहुत प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया, बट आपको इसी टाइम बताना चाहता हूँ ESD सप्लाई लाइन के अंदर बीच में जो रेजिस्टेंस है इसी तरह सभी सप्लाई लाइन के अंदर एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। जिसी तरह ये जो डायोड है ये जो सप्लाई लाइन देखिए जो बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसी तरह सभी सप्लाई लाइन के अंदर एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। ये जो रेगुलेटर सेक्शन है ये सप्लाई लाइन के अंदर भी दो रेजिस्टेंस है, ये साउंड सप्लाई लाइन है इसका अंदर बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। तो कुछ भी रेजिस्टेंस जब ओवरहिट हो जाता है उसका आउटपुट सेक्शन का आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। चेक करने का प्रोसेस आपको बताता है ये वीडियो के अंदर, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जल्दीबाजी का काम नहीं है और ऐसा नहीं है कि आप बताएं कि सर ये रेजिस्टेंस ओनली ओवरहिट हो रहा है क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ESD चेंज कर दीजिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो लाइन है जिस पॉइंट का साथ बीप साउंड आता है आपको सभी लाइन को चेक करके देखना पड़ेगा। मान लो ये जो लाइन है इसका साथ ये लाइन को देखना पड़ेगा, 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 जितना ठीक है जितना लाइन का साथ कंटिन्यूटी मतलब बीप साउंड आ रहा है वो सभी लाइन को देखना पड़ेगा। वो लाइन के अंदर जितना पार्ट्स है, हो सकता है कैपेसिटर, हो सकता है PF, हो सकता है ट्रांजिस्टर, हो सकता है डायोड, हो सकता है कैपेसिटर, ठीक है, हो सकता है ESD, आपको सभी एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और आप पूरा डिस्कस करना चाहता हो तो लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों वो व्हाट्सअप जैसा, फर्स्ट आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।